1944 में आज एक दिन मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्म हुआ था। 17 साल की उम्र में सायरा बानो ने अपनी करियर की शुरुआत की। 1961 में रिलीज हुई फिल्म जंगली में पहली बार वो शम्मी कपूर के साथ पर्दे पर नजर आईं। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 60 से 70 के दशक में सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड में जगह बना चुकी थी। 1968 की फिल्म पड़ोसन ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। हेरा फेरी, ब्लफ मास्टर, पैसे की गुड़िया, गोपी और विक्टोरिया नंबर 203 आदि इनकी प्रमुख फिल्में हैं। 1975 में आज एक दिन मशहूर शास्त्रीय गायक विनायक राव पटवर्धन का निधन हुआ था। संगीत की शुरुआती शिक्षा इन्होंने अपने चाचा श्री केशव राव से ली थी। विनायक राव ने 9 वर्ष की उम्र से पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से शिक्षा लेना शुरू किया। इन्होंने बाल गंधर्व की नाटक मंडली में काम किया। 1932 में विनायक राव ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। 1972 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। 1979 में आज एक दिन ईरान में मौजूद कुर्द नागरिकों ने इराकी सीमा क्षेत्र पर मौजूद सरकारी सैनिकों के खिलाफ विद्रोह किया था। ईरान के उत्तरी पश्चिमी भाग में कुर्दिस्तान के महाबाद नाम के शहर पर कुर्द विद्रोहियों ने कब्जा हासिल कर लिया था। यह विद्रोह धीरे धीरे दीवान दारे साकेज शहरों में भी फैल गया। दरअसल ईरान में मौजूद करीब 40 लाख कुर्द नागरिक शाह को देश से निकाले जाने से निराश थे और उनका कहना था कि इस्लामी राज्य बनने के बाद उन्हें ज्यादा स्वायत्तता नहीं मिल पाई। 1990 में आज एक दिन इराकी टीवी के एक कार्यक्रम में सद्दाम हुसैन को पश्चिमी बंदियों के साथ दिखाए जाने का काफी विरोध हुआ था। कुवैत पर इराकी कब्जे के बाद ब्रितानी लोगों को इराक में बंदी बनाया गया था। सद्दाम हुसैन ने ब्रितानी बंदियों से कहा था कि उन्हें इसलिए कैद किया गया है ताकि युद्ध की स्थिति से बचा जा सके। इराकी नेता सद्दाम हुसैन ने कुवैत से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र को 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू करना पड़ा। इस मुहिम के एक महीने बाद इराकी सेना को खदेड़ दिया गया और कुवैत को आजाद करा दिया गया। और 2006 में आज एक दिन ऑस्ट्रिया की नताशा कामपुश 8 साल बाद वोल्फगांग प्रिकलोपिल के बंधन से भागने में सफल रही थी। 10 साल की नताशा 2 मार्च 1998 को स्कूल जाने के लिए घर से निकली, लेकिन ना तो वह स्कूल पहुंची और ना ही घर। खोज के दौरान 776 गाड़ियों की तलाशी ली गई, जिसमें प्रिकलोपिल की वैन भी शामिल थी। नताशा कामपुश ने कुछ टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिए और अपनी आत्मकथा भी लिखी। 3096 डेज नाम की किताब सितंबर 2010 में प्रकाशित हुई और इस पर फिल्म भी बनी।